ये बच जाएगा ना? हाँ ये भी दिया बच जाएगा नहीं ये फरमाया कि ये हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है जो पूरे नेशनल इम्पोर्टेंस की है और जो पूरे कंट्री को जो है वो कश्मीर वैली से और उसके थ्रू लद्दाख से जोड़ती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर फोर लेनिंग का काम शुरू हुआ है। इसके पहले कुछ इशूज़ थे लैंड एक्विजिशन के, कुछ लैंड जो एक्वायर करनी थी और वो हमने एक हाई प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे, इवन चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और लोकल डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर्स जो हैं इनके साथ मीटिंग्स हुई और उनके सारे जो लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं वो हमने प्रायोरिटी पे वो क्लियर कर दिए। तो आज की डेट में कोई लैंड एक्विजिशन का केस जो है पेंडिंग नहीं है, इनको सब लैंड जो है हैंड ओवर कर दी गई है। फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पर कि हमारी 132 kV लाइन जो है वो जा रही है रोड के साथ साथ, तो जहाँ पर इनकी कटिंग होनी थी, जहाँ पर इनका टनलिंग होनी थी या फॉर्मेशन कटिंग होनी थी जिससे कि आपके टावर लाइन जो अफेक्ट हो रही थी, तो उस तरह के 36 स्पॉट्स थे जहाँ पे कि हमने टावर को नई दिशा देनी थी, नई लाइन लगानी थी, तो वो 36 स्पॉट्स भी इनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सिवाय उसमें एक टीम रहते हैं वो भी अगले हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में जो है वो भी उनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। और मेरी चीफ इंजीनियर TLMD से बात हुई है, उन्होंने इसको टेंडर भी कर दिया, वो स्टडी कर रहे हैं कि ये जो नए टावर बन रहे हैं उनकी वो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट कर रहे हैं और दिसंबर तक सारी टावर लाइन जो है वो भी रियलाइन हो जाएंगी और नेशनल हाईवे वाले जो हैं वो फ्री हैं कि अपनी जो इनकी जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट या जो चेंज अलाइनमेंट इन्होंने की है उसके ऊपर ये ज़ोर शोर से काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे इश्यूज़ थे कि स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, मकान लोगों के आ रहे थे, वो मकान भी सारे के सारे जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। मैंने हर जगह हर स्पॉट पर जाके इंस्पेक्शन की कि ये मकान जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और राइट ऑफ वे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और कोई एक स्पॉट सिर्फ ऐसा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि अभी इनका टेंडरिंग का काम अभी नहीं हुआ, बनिहाल के पास वो है, मेरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी उसका भी टेंडर किया जाएगा। और ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी की हाईवे जो है हमारी श्रीनगर से कनेक्टिविटी के लिए, वैली से कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। अभी इस तरह का प्रोजेक्ट जब रहता है कि एग्जिस्टिंग रोड और नया काम साथ में होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपने एग्जिस्टिंग रोड को इस सूरत में रखना होता है कि वो ट्रैफिक जो है उसमें भी दिक्कत ना आए। तो उसमें हमने जो मैंने आपको कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस हमने देखा कि कोई ज़्यादा इंटरप्शन पिछले एक साल के तरीके मैंने नहीं देखी कोई गाड़ी बहुत देर तक, अनलेस जब कोई बहुत बड़ा स्लाइड आ गया हो जिसको क्लियरेंस करने में हो, तो वो भी काम साथ साथ में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक गौर करने की और वॉच करने की ज़रूरत है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर कोई इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है कि वो रोड को कच्चा रख रहा है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको उसका भी पेमेंट जो है उसमें प्रोविजन रहता है।